सर अब दो तरह की चीजें हम देखते हैं कि लोग सचिन और कोहली की बैटिंग की कंपेयर करते हैं अभी आपने कुछ देर पहले जिनको झूठा बोला कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वो ये कह रहे हैं कि सचिन ने जो बॉलिंग जितनी हार्ड जितनी टफ बॉलिंग खेली है कोहली के सामने वो चीजें नहीं है देखो वो जो दौर था वो अलग था कैसे अलग था जो मैं बताता हूँ लाल बॉल से वनडे में हंड्रेड बनाना और रिवर्स भी होता था वो बहुत बड़ी बात है जो पाजी करते थे ठीक है और वो दौर अलग था इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर खेले उन्होंने एम्ब्रोज वॉल्स सारे खेले विराट कोहली का दौर अलग है वो जिस हिसाब से जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा है नई बॉल इधर से भी है नई बॉल इधर से भी है तो सबके दौर अलग अलग है सब तो आपको क्या लगता है सर कौन बेस्ट है हमारे लिए तो दोनों ही बेस्ट हैं सचिन जिस दौर में खेले उस पर उनका वश नहीं था विराट जिस दौर में खेला इसका वश नहीं है विराट के साथ बहुत सारे बैट्समैन रोहित शर्मा है आपका ए बी डी खेला तमाम सारे लोग खेले विराट की जो अचीवमेंट्स हैं कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं हम जब पाजी की बात करते हैं कि पाजी रिवर्स स्विंग होती थी ये वो तो कहीं ना कहीं हम ऐसा नहीं लगता कि विराट को नीचे दिखा रहे विराट ने तो हासिल किया ना जो सामने आया उसको खेला ने कौ, ने कौन दिखा रहा नीचे सोशल मीडिया पर जो बात है जैसे आप नोस्टैल जी के लोगों की बात की अभी सर से आप पूछेंगे हुँ. तो सर भी कहेंगे कि सचिन बेस्ट था सचिन का ये था वो था आखिर सचिन के सामने जो कंडीशन थी उसमें उन्होंने एक्सेल किया सर ने कुछ नहीं कहा ये तुम्हारा हमने नहीं कहा अपने मन से कह रहा सबके अपने, सब अपने अपने दौर थे सब अपने अपने अपनी जगह अच्छे हैं विराट भी पाजी की इज्जत करता है तो तो सब सब ठीक थी। है बस हाँ, तो आप आईपीएल का बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे थे आईपीएल 2008 दो टीम्स ने ऐसा कहा था कि उन्होंने आपको खरीद लिया है आरसीबी थी और दिल्ली की टीम थी किसने खरीदा था और मतलब ऐसा कुछ बैक स्टोरी भी है क्या कि आर की तरफ से खेलना था बैंगलोर की तरफ से दिल्ली की तरफ से नहीं खेलना था ऐसा कुछ मैं बताता हूँ मुझे ये था मैं क्या यार उधर उधर नहीं जाना बैंगलोर मुझे लगता था कि बहुत दूर पड़ेगा इंग्लिश मुझे नहीं आती खाना मेरे हिसाब का नहीं मिलने का दिल्ली पास में मेरठ के पास में दिल्ली अपना बीच में घर भी आ गए सीरियसली बता तो अब उन्होंने ख़रीद लिया तो एक आदमी था उसने नीचे जाके मेरे से साइन करा लिया कागज़ पर तो साइन करा लिया करा लिया अब वो मुझे क्या पता था वो कि वो कॉन्ट्रैक्ट है क्या है अब साइन करा लिया साहब और साइन करा के फैक्स भी कर दिया उधर फ्रेंचाइज को आर सी बी को अब इधर ये ये लोग कह रहे थे तू खेल 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 अब किसी को नहीं पता था कि पीके ने पीके ने साइन कर दिया कागज पर उन्हें भी नहीं पता था वो तो फिर बाद में पता लगी कि यार फिर मैंने पीयूष को बोला मैं क्या पीयूष यार इसमें साइन कराया देख दिखा जरा तो, तो, तो फिर उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई तो फिर उधर से फ़ोन आया कि तुझे खेलना है नहीं खेलना है वो तो तुम्हें खेलना नहीं खेलना है? मैं कहा बिल्कुल खेलना है तो फिर चारू शर्मा का चारू शर्मा बोला मैं क्या नहीं मुझे नहीं खेलना मैं तो दिल्ली से खेलूँगा तो क्या नहीं फिर वो वही बात करेंगे मैं वही कर लेगा फिर बात तो बताया था अभी सुबह कौन कौन ये कौन वही है नहीं, नहीं 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 फिर ललित ललित मोदी जी का फोन आया था कि हम वो कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे हम बैन कर देंगे तुम्हें कहीं नहीं खेलने देंगे तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा हाँ ऐसी धमकी दी ललित मोदी हाँ जी हाँ जी तो फिर वीरू भाई ने समझाया तो उन्होंने एक शख्स उन्होंने और समझाया कैसे अब तो जो हो गया हो गया तो कागज ना, आप नाम बता रहे नहीं बता रहे रहे हो नहीं तो फिर उन्होंने कहा अब तो साइन हो गया तो हो गया क्या अब तूने तो हमें पहले क्यों नहीं बताया मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कुछ मेरा पहला पहला साल था कुछ मुझे समझ कागज कागज पर क्या साइन करा था क्या नहीं करा तो उसमें बवाल हो गया था बहुत बहुत ज्यादा फिर ललित मोदी को आपने नहीं नहीं मेरठ वाली भाषा में कुछ कहा तो नहीं।, <laughs> नहीं दिल्ली वाले आपको एक्स्ट्रा पैसे भी तो दे रहे थे ना कि मतलब पैसे बढ़ा के दे देंगे आप हमारी टीम से खेल लो गरिमा दिल्ली से है इसलिए भी, भी हमने मैच की थी वो प्राइज आरसीबी ने वो प्राइज मैच की थी उसके बाद हमने, हमने <laughs> है ये देखो ये आरसीबी फैन बाद में हमने मैं तो, हाँ बताए साइन करवाए उसका क्या तो से सी आरसीबी वर्सेस दिल्ली वो खुद कह रहे की अलग किस्सा है भाई से अलग किस्सा कैसे अगर आप प्रवीण भाई से पूछोगे पूरी दुनिया में मेरठ छोड़ के कहाँ रहना है तो पता क्या कहेंगे? दिल्ली। अरे उनको तो कहने क्या बात है? यही बात है। इसीलिए दिल्ली वो पर्सनली मैंने उनको मुझे मैं तो क्या आपको लगता है कि या पॉलिटिक्स या फिर वो अपने उस टैलेंट को मतलब उतना यूटिलाइज नहीं कर पाए कहाँ उनसे कमी रह गई नहीं सुदीप अच्छा बॉलर है उसने अच्छी बॉलिंग की दो सीजन हो जाती है लाइकिंग डिसलाइकिंग भी हो जाती है बहुत तो और सर एक रिक्वेस्ट भी आपसे है हुँ। मतलब इंटरव्यू के बाद जब स्विंग बॉलिंग की बात आती है ना तो जो पेसर्स हैं आजकल मतलब हम लोग जो हैं स्विंग बॉलिंग को लेके बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो हमें वसीम अकरम के कुछ वीडियोस दिख जाते हैं वकार यूनुस के और जेम्स एंडरसन के वीडियोज एक वीडियो ऐसा चाहता हूँ कि आपकी भी दिखे जहाँ पे आप कुछ मतलब टिप्स दे पाओ कि हाँ फिंगर्स का क्या रोल रहता है जो जहाँ पे मतलब आप बॉल को थोड़ा सा स्विंग कराने के लिए हम लोगों को हेल्प मिले देखो अगर कोई, अगर यहाँ कोई देखो मेरा हाथ हाथ में आपको क्या लग रहा है अपने आप ही है आउट स्विंग की पोजिशन हाँ मतलब मतलब हा, राइट हैंड हाँ देखो और जब हाथ ऐसे होगा तो अपने आप ही अंदर